आधी रात को प्यासी जवानी बन के कहाँ घूम रहे? इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास, बुझा दे मेरी प्यास। दम फाइट, बहुत दिन हो गए यार। वही मैं सोच रहा था, पूरी रात क्वांटम फिजिक्स छाटते हुए कैसे कटेगी। लेकिन इस बौछाड़ का पहला शिकार कौन हो? बौछाड़ का पहला शिकार वो जो भीगने पर हीरोइन की तरह घुटने ना टेक दे, बल्कि हीरो की तरह तेरी माँ बहने कर दे। मिल गया शिकार। कितने कितने तूने साहब की पूछ पे नहीं मेन पॉइंट पे पैर रखा? क्या चल रहा है? अरे नहीं, H3 चलता है। सुना जब कुत्तों पे पानी पड़ता है ना, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। जनता! कौन है? आह, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। इसकी माँ का? अकेले डूबेगा या पूरे रूम को साथ में लेके डूबेगा? देख अन्नी, अकड़ पकड़ खींच के पकड़, कर साले को, चोर साले पे, ठोक साले को, तसी साला। साले लूजर्स, अबे लूजर होगा तेरा बाप। यादों का सफर जारी रहेगा 90s के गानों के साथ। मैं हूं आपका दोस्त। बहुत लेट हो गया यार, खाना लगा दें। राघव ने खाया? खाते कहाँ है कुछ, जब से एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं रिजल्ट का टेंशन उन्हें खाया जा रहा है। कहाँ है? जाइए खाना लगे। सो गया क्या? अरे तो सोने देगा तब ना। यार एक डाउट क्लियर करना था। आई प्रॉमिस लास्ट टाइम। यही ना कि इस साल का एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा टफ था कि लास्ट ईयर का? जब तेरा मैथ अच्छा गया कि सबका अच्छा गया? सबकी फिजिक्स में लगी है कि सिर्फ तेरी लगी है? यही पूछना है ना तुझे भाई। सॉरी यार, थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो अकेले टेंशन क्यों ले, सूरज को भी जगाते हैं ना। हाँ बोल राघव। सो रहा था क्या? नहीं, अभी बबल बात लेके निकला हूँ। बोल। अपने राघव को ना रिजल्ट का टेंशन हो रहा है, कुछ करना भाई। यार माना कि हम तेरे 2 AM फ्रेंड्स हैं, पर अब तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। हाँ। यार देख, तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ दिन में पता चल ही जाए कि किसका तीर निशाने पे लगा और किसकी लग गई है। प्लीज सो जा और सोने दे यार। कैसा मास्टर? जब तक अच्छा खाना मिल रहा है ना, खा लेना चाहिए। सॉरी पापा। अबे सॉरी नहीं बे, कुछ दिन में तू हॉस्टल जाएगा, और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा होता पता? ये हलक के अंदर काम बाहर ज्यादा निकलता है। वो खाना भी खा लूंगा पापा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे क्यों नहीं होगा, पूरी पढ़ाई करी है तूने, एग्जाम अच्छे गए, बेकार में टेंशन ले रहा है तू। आपको नहीं हुई थी क्या टेंशन? आपको कैसे होती टेंशन, आप तो जीनियस थे। ऑल इंडिया 34 आई थी आपकी, मैं तो 2000 के अंडर भी सिलेक्ट हो जाऊँ ना तो पागल हो जाऊंगा। पिछले 2 महीने से ना तूने ये सब सोच के ना अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता तुम्हें? इसे चाहता एक गर्लफ्रेंड बना लेता। तुझे पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी शॉर्टेज है लड़कियों की? मम्मी तो वही मिली थी ना आपको? अबे मम्मी वही मिली थी,
सबकी किस्मत आपके पापा की तरह खराब नहीं होती, ठीक है? चल शुरू कर। आज मम्मी के घर ड्रॉप करने आप जा रहे हो, इतनी मेहरबानी किस लिए? सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम तेरे साथ और बिता लूँ। अभी कुछ दिन में तू हॉस्टल चला जाएगा और आज का दिन तेरी माँ खा लेगी। ऐसा मत बोलो यार, मेरा भी मन करता है उनसे मिलने का। अरे सब पता है मुझे, सिर्फ खाना दबाने जाता है तू वहाँ पे। कुछ भी बहुत देखे तेरे जैसे, हॉस्टल में दो दो मिल्कशेक पे बिक जाते थे। आपके पास कोई बेटर प्लान है तो बोलो, नहीं जाऊँगा। प्लान तो मेरे पास एक से बढ़कर एक है बेटा, तू भी जानता है। पर जा, बेचारी वेट कर रही होगी। बेचारी? हाँ, डिवोर्स हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो है आप दोनों के बीच में। तो है ना? चलो अब हाय तो बोल दो। नहीं बेटा, जाके तू ही उसकी हाय ले। अच्छा सुन, कुछ अच्छा बना होगा तो पैक करा लेना, जाए ना। ठीक से खाना। कुछ दिनों में भी रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो आपको क्या लगता है, मेरा होगा? मुझे लगता है तेरा नहीं भी हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा को लगता है मेरा हो जाएगा। ये अनिरुद्ध भी ना, सुन पापा की बातों का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि पापा को भिंडी कितनी पसंद है। हाँ बनाई है एक्स्ट्रा। लव यू। बाप का चमचा। ओ, फोन पे लगा रहे। कैसा चैंपियन? ये आपके लिए। अरे ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा ना, बाप बेटे मिलके सेलिब्रेट करेंगे, पूरा पियेंगे। पापा अब आप मुझ पर प्रेशर बढ़ा रहे हो। इस साले, इससे प्रेशर बढ़ता नहीं है, इससे प्रेशर घट जाता है यार। हाँ तो चला जाएगा तो तेरी सिर्फ यादें रह जाएंगे ना मेरे पास। सब ठीक होगा, चले। क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? तू ही देख यार। यार डोड़े तू, चल मार। क्या हुआ? तेरे तो पेपर्स भी अच्छे गए थे ना यार। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अनिरुद्ध, मैंने अभी राघव से बात की, बहुत रो रहा था। मैंने भी उसको बहुत समझाया, सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या नहीं किया यार मैंने, सब कुछ छोड़कर 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अरे इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। हर बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो तुम? हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? वो सतीश साला साल भर मुझसे पीछे रहा और उसका हो गया, समझ रहे होगे मुझ पे। राघव और मैं मॉम डैड को कैसे फेस करूंगा? मैं जा रही हूं उसे मिलने।
तुम कब आ रहे हो? बस मेरी मीटिंग है, बस उसको खत्म करके आ रहा हूँ। तुम बस अपनी मीटिंग से करते रहो। मॉम रैंकर, डैड भी रैंकर, बेटा लूजर। अरे यार छिलकर यार, तू समझ नहीं रहा यार, पूरी जिंदगी सोचे कि टैग के साथ जीना पड़ेगा। अब तो कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है। नहीं यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। Quarterly for sure. So we have to make sure. Just a second. But I'm in a meeting. I'll call you back. काश मैंने राघव की कस्टडी तुम्हें नहीं दी होती। तुम्हें क्या लगता है जो वो मेरी वजह से हुआ है? वो बेचारा बच्चा इतने प्रेशर में था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। He's trying to commit suicide. मुझे कैसे पता चलेगा माया? वो इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। मैं पता ही क्या अर्मी, अपनी मीटिंग्स और अपने काम के अलावा ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की ना अपने बेटे को। प्लीज चुप रहा यार, सुन रहा है, प्लीज चुप जा। सुनने दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कितने इर्रेस्पॉन्सिबल फादर हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा स्टॉप इट। आवर सन इज नॉट डेड। मैं आप दोनों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके बेटे को ब्रेन में सीवियर इंजरी हुई है, मल्टीपल ऑर्गन्स भी डैमेज्ड हैं। फिलहाल तो हमने सर्जरी करके इंटरनल ब्लीडिंग रोक ली है और ब्रेन से क्लॉट्स भी निकाले हैं। बट दैट्स नॉट ऑल, उसे ब्रेन में कंट्यूजन्स हैं। अगर ये कंट्यूजन्स बढ़ते हैं तो ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, जिसके लिए हमें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। फिलहाल तो हमें उसे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा टिल ही स्टेबलाइजेस। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बच तो जाएगा ना? वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। एक बार जाके मिल सकते हैं क्या प्लीज? एक बार मुझसे नहीं देखा जाएगा, तुम जाओ। This is not fair, yeah. Raghav, जी भर के गालियां तेरे कवर कर रहा है तुझे। दो साल से नाटक देख रहा हूँ यार तेरा।
पापा मेरा मॉक टेस्ट है, बच्चे नहीं देखो पापा, एक बार एग्जाम हो जाए तो छुट्टी मिलाने चलेगा। पापा मेरी कंबाइंड स्टडी है, मेरा फंस वक्त नहीं आपसे बात करने का। अरे यार, 2 साल से तेरा बाप वेट कर रहा है यार, और कितना वेट करेगा तेरा बाप। इन्फेक्शन के कारण उसको सेप्सिस हुआ है, इसलिए किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, सो डायलिसिस पे डाला है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस्टर पाटू, लेकिन दवाइयां सिर्फ एक हद तक काम कर सकती हैं, द पेशेंट आल्सो नीड्स टू रिस्पॉन्ड, और राघव की बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स बच जाते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। आपके बेटे का केस उससे उल्टा है, लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। कह रहा था सब उसे लूजर बुलाएंगे, साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। मुझे नहीं पता भाई, पर मुझे इतना पता है कि वो जिंदा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि अपने आप को लूजर समझ रहा है, और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता भाई। इंसान लूजर का टैग पहनता भी खुद है और उतारता भी खुद है। कैसे बताओगे उसे? सुन सकता है वो तुम्हें? पता नहीं। तो लगता है ना बेटा कि तू लूजर है, तुझे आज मैं बताऊंगा कि तेरा बाप कितना बड़ा लूजर था, और उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिनके साथ गुजारे थे वो सब कितने बड़े लूजर थे। नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सब कहते थे इसमें घुस गए तो जिंदगी बदल जाएगी, पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। नेक्स्ट अनिरुद्ध पाठक। अन्नी अन्नी अन्नी, अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक। हॉस्टल लाइफ है भैया, यहाँ पे देशपांडे का डिस्पो हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है, चौधरी का चो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, चलो अन्नी 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 अन्नी। अरे रे रे रे,
क्या बोले, उसमें नाम नहीं है? अरे भैया, नाम नहीं होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल नंबर 4 अलॉट हुआ है, H4। हाँ तो? इस इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े वाले निकम्मे हैं, नाकारा हैं और वो नालायक। हाँ, नालायक प्राणी हैं वो H4 में पाए जाते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में उनको लूजर्स के नाम से बुलाया जाता है। लूजर्स? भैया हमारी मानिए अगर आप, तो बगल के काउंटर में हॉस्टल चेंज की अर्जी डाल दीजिए। हाँ, अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा आपका, वरना लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। अरे चाचा, हमारी धार से ना तिहाड़ हिल जाता है, ये हॉस्टल पर क्या चीज है। वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। जाओ जाके चक्के देख लो, फिर भाग के चले आना, ये काउंटर कहाँ भागे जा रहा है। और मैं सोच रहा था कि आखिर इतना भी क्या बुरा हो सकता है H4 में। आ गई कमो मुजरा करने, घंटे कितना लेती है? What's happening, guys? अरे सर, सिल्क्स में था। H4 के सीनियर्स थे। सबसे बड़ा तो अपना गुसलखाना है। ये H4 का कमरा था और ये H4 का खाना था। एक्सक्यूज मी, ये आलू है या कद्दू? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बस मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं दो बातें सोच के घबरा रहा था। एक, अगर हॉस्टल चेंज नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। दो, जब तक हॉस्टल चेंज नहीं होता मेरा क्या होगा। रॉड से टोकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके मुतवाते हैं, नंगा करके बियर बॉटल पे बैठाते हैं। हाँ बेटे, इधर आओ। तू मरमेड है और तू है बगुला, तेरा ना इस पे दिल आ गया। तुझे बढ़िया सी आ रही है, इधर आ। क्या नाम क्या तेरा? अनिरुद्ध पाठक। अन्य अन्य तो बड़े अन्य, काम कर, पोल डांस करके दे। डंडे पोल बन, चलो बेटा अन्य शुरू। और मैं सोच रहा था कभी अनचाही बंद होगी और असली टुकाई शुरू होगी। ऐसे करते हैं डांस कर। तू हट, मैं दिखाता हूं। पर मेरे ख्यालों में पलने वाली वो भयानक रैंकिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। म्यूजिक। इन सीनियर्स के अंदर इतना हरामीपन था ही नहीं कि वो अपने जूनियर्स को सिर्फ इसलिए मारते पीटते क्योंकि वो हेल्पलेस थे। All they wanted was some harmless fun. ये था loser number one, Sixer. Sixer? उसका निकनेम था, क्योंकि उसके दिमाग में वो एक ही बात पूरे टाइम घूमती रहती थी। Sex? Correct. Continue. वो हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा हवस का पपीता था। क्या लेगी कब? Playboy, debonair, दफा 302 मस्तरा में रंगीन रातें और रीजनल भी है। हॉस्टल के शोज में उसकी फ्रंट सीट फिक्स थी और हॉस्टल के एनुअल ऑक्शन का सबसे बड़ा बिडर था ₹1.25। सेक्सा ₹1.50। Call the doctor. क्या हुआ सिस्टर? His BP is fluctuating. Means? अब प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर विल मॉनिटर हिम, प्लीज। हेल्प नहीं, हाँ अब करो तुम उसे। ऐसे होता है जब पेशेंट होश में आने की कोशिश करता है। सिर्फ होश आया, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। बाय द वे, ये सेक्सा कौन है? वो सुन रहा था। डॉक्टर,
तो ठीक हो जाए यार, सब ठीक हो जाएगा। पापा, क्या बोल? सच है क्या? क्या लूजर्स सेक्स? हाँ, सब सच है। सच है ना भाई? सब सच है, सब है इसमें। यार उसको कहानी अच्छी तो लग रही है, सच्ची नहीं लग रही। उसे होश तुम्हारी कहानी की वजह से नहीं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट की वजह से आया है। ठीक है तो फिर डॉक्टर्स को और दवाइयों को उनका काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। ट्रीटिंग आर्ट सुन के उसे टिका मेरा। एक बार ये सेक्सा यहाँ आ जाए ना तो बात बन सकती है। सेक्सा यहाँ? हाँ। तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? अरे ऐसे काम में क्या बिजी हो गया यार कि अपने दोस्तों के टच में नहीं रहे। चलो कहीं तो होगा, गूगल पे होगा, फेसबुक पे होगा, टिंडर पे होगा, पर उसको ढूंढूंगा कैसे? सेक्सा का असली नाम क्या था? तुम्हारे हॉस्टल से था, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे नहीं, लेकिन हम लोग हॉस्टल में तो सेक्सा सेक्सा ही बोलते थे ना उसको। सेक्सा का असली नाम क्या था? ममता कुलकर्णी। एक्सक्यूज मी, ये गुरमीत सिंह ढिल्लों कहाँ मिलेगा? फादर गुरमीत सिंह ढिल्लों, सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गोरा चिट्टा सा है, गोल मटोल, गुंगराले से बाल है उसके। और सेक्सा अंकल, रूम नंबर 150, 152, 152। सेक्सा गुरमीत सिंह ढिल्लों, उस दिन पता होता तो बच जाता सर। तो ये पढ़ाई हो रही है? नहीं डैडी जी, वो फ्रेंड्स की है। फ्रेंड्स की है? और तुझे सेक्सा क्या बुलाते हैं? वो मैं बहुत सेक्सी दिखता हूँ ना इसीलिए। So that's the point I'm trying to make here, gentlemen. If you see the global trends, that's where the market is headed. That's why you guys need our... Excuse me, sir. There's a call for you. Not now. He said to tell you he's someone from Hostel 4. Excuse me. Hello? Am I speaking to Gurmeet Singh? Yes. Sexa, sare, main Anni bol raha hu. Oh, sali, kamo, tu man ki taki kutte ki lady man. Excuse me, gentlemen. So I'm cancel all my meetings for the next week. Any problem, sir? I have to go to India. कैसी है कम्मो? कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। कैसे छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। ये राघव बेटा, तेरे से मिलने कौन है? पहचाना? क्या लेगी कम्मो? प्ले बॉय डेबोनेर मस्तराम दफा 302 या रंगीन रातें? बड़ी स्मार्ट है तू कम्मो। शुक्र है चोट यहां लगी, यान वरना भारी चोट हो जाती। मैं तेरे बाप का सीनियर था और पता नहीं क्यों इसे हॉस्टल चेंज का भूत सवार था। सर हॉस्टल चेंज का कब तक पता चलेगा? सबका बायोडाटा गया है बाकी हॉस्टल्स में। जी सर। आपको अगर किसी ने स्लिप कर लिया
तो मिठाई बांट देना, नहीं तो जैसे कट रही वैसे काट लेना। क्या हुआ कम्मो, वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं? नहीं सब, तो क्या उखाड़ लेगा हॉस्टल चेंज करके, अच्छे रूम में रह लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में सोएगा। बंटी नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। देख भाई, इंजीनियरिंग लाइफ में ना दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ब्रेन और बंटी। ब्रेन के लिए ना यह बहुत हरियाली है, लेकिन बंटी के लिए अकाल है भाई, सूखा पड़ा है। बंदियां ही नहीं आती इंजीनियरिंग कॉलेज में यार। बॉय गर्ल रेशियो 40:1, सिंपल गर्ल गला काट कॉम्पिटिशन, हाई फाई गर्ल नस काट कॉम्पिटिशन, बहुत मुश्किल है यार। मॉडल मटेरियल भाई तू बड़ी उम्मीदें लेके आया नहीं? ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ मॉडल मटेरियल ना हेलीस कॉमेट की तरह आता है 76 साल में एक बार। मॉडल मटेरियल हो तेरी हेलीस कॉमेट। उस दिन मैंने माया को पहली बार देखा था, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। उसके बारे में ना सोचियो भी मत। क्यों? दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें बड़ी चलो दूरियां फिलहाल है। आगे सिस्टर फिर बैक। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। नहीं देखा जाता ना मुझसे, वो देख। और कुछ मैम? डिमांड में तो अभी भी है। All right, guys. Time's up. Let him rest. तू आराम कर कम्मो, हम लोग कल मिलते हैं। ऐसा क्या हो गया है? जिसका हाथ पकड़ने के लिए तूने इतनी फाइट मारी, उसका हाथ तूने कैसे छोड़ दिया? अगर मम्मी और एसिड नहीं होते तो तेरी गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं होती। एसिड और मम्मी बुलाएं क्या दोनों को? आएंगे? उनका बाप भी आएगा। बाप? यू वॉन्ट बिलीव कि मम्मी के पप्पा मेरे और एसिड के पास क्या रिक्वेस्ट लेके आए थे। याद है? एक्सक्यूज मी, आप लोग सीनियर हैं जी। ये मेरा बेटा है सुंदर। अंकल ये आपका बेटा? माँ पे गया है। हाँ एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे डोंट वरी अंकल, हम रैगिंग नहीं करते। अरे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी क्लास ले। देख रहे हैं ना पूरा दिन मम्मी मम्मी करते रहता है। अरे अपने अंडरवेयर तक खुद नहीं धोता है, तेरी मेहरबानियां फिर देखकर रोता है, अपनी माँ के पल्लू से बंधी हुई गाय बनकर रह गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे संगठी मार मार के शांत बना दीजिए। डोंट वरी पापा, आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू पापा। आप इधर आइए। इंट्रो दे, नाम क्या तेरा? बहरा है क्या? सीधे खड़ा हो। नाम क्या तेरा? मम्मी। मम्मी। ये था लूजर नंबर टू, मम्मी। हे बड़ी। अनी एंड आई वर बैचमेट्स। तब साले को एक्सीडेंट नहीं था। कम ऑन, 20 साल से यूएस में हूँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? रुक जा, वो एसिड भी आ रहा है, वो तेरा सारा एक्सेंट निकाल देगा। ओह गॉड, एसिड इज बैड न्यूज। माँ की गाड़ी आती है,
बाप की, बुआ, फूफा जी, ताऊ, दीदी, मौसी, अबे चोमू, कोई भी गाली आती है तुझे? हाँ, इसको दे। कुत्ते? सॉरी, ये गाली है। सिल्ली फेलो, इडियट ये भी बोल दे। सिल्ली बैक। हर साल गंदा माल आता है। मम्मी भोला था और एसिड क्या था? आग का गोला था। स्कूल में टॉप करने वाला एसिड इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर पिछड़ गया था। अंदर एसिड भर गया, नाम एसिड भर गया। लूजर नंबर 3। कैसा है बच्चा? और मम्मी कैसी है तू? सुना है तुझे एक्सीडेंट आ गया आजकल? एसिड और सेक्सा ने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं बहन के टके, मोम की गुड़िया थी तू, मर्द बनाया तुझे हमने, और वो भी इसके बाप ने रिक्वेस्ट की थी, याद है? बेटा ये जब हॉस्टल आया था ना, इतना बड़ा चोमू था ये। ये वो साचा चोमू। मतलब तूने लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बता, हिलाते है? व्हाट सर? अबे छोटे नवाब के साथ गुफ्तगू करता है? सर आई डोंट नो एनी नवाब। अबे डू यू नो? क्यों, तेरे बाप ने ताला लगा रखा है क्या? पाप लगता है सर। पाप? इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ? भाई तू ना पापियों के हॉस्टल में आ गया है, तू एक काम कर, तू गर्ल्स हॉस्टल जा और लड़कियों के कपड़े लेके आ जा। चुरा के लाऊं? अबे चोमो मर चुराते हैं, मांग के लेके आते हैं। सर ये बहुत सीधा है सर, इससे नहीं हो पाए। अच्छा तू बहुत टेढ़ा आएगा, इधर आ गया, फ्रेशी है ना तू? अब तुम दोनों जाओगे। नहीं सर मैं तो इसको जानता हूँ। जाते हो कि निकालू चप्पल? हाँ बोतल घुसाऊ मैं? अच्छा सुनो, देखना अगर कच्चा भी मिल जाए। भाई ट्राई करने में कोई हर्ज है? एक बात बोलूं, वहां लड़कियों से कपड़े ना तुम ही मांग लेना। अबे तुम स्मॉल टाउन लड़कों की यही प्रॉब्लम, लड़कियों से बात करने में पड़ती है। लेकिन तुम लोगों की भी क्या गलती है भाई, साथ में उठना बैठना तो कम होता होगा ना। क्या कर रहा है भाई? Are you okay? वो हमारे सीनियर्स ने लड़कियों के कपड़े लाने के कहा, लेके नहीं गया तो मुंह में बहुत धोएंगे। क्या आप लड़कियों के कपड़े ला सकती हो प्लीज? बस ये इतना क्यों घबरा रहा है? पहली बार लड़की से बात कर रहे हो? वो स्मॉल टाउन था ना, लड़कियों देखते इसकी फट घबरा जाता है बस। अभी थोड़ा ज्यादा लगेगा। उसका क्या करना है? ये मरिया पिंटो का और ये माधवी त्रिपाठी। तो छुपी रुस्तम निकली वे। और ये सर आपके लिए, विद लव दुलारी पित्रोदा। दुलारी जेंट का क्या पहनती है? अब अंदर से कौन कैसा होता है हमको क्या पता, की फर्क पड़ता है? ओ यार दो दिन से नहीं धोया। सर स्मेल अच्छा है पर मम्मी का कच्चा है। आज भी उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। मखमली पिछवाड़ा, मखमली पिछवाड़ा H4 के सीनियर्स को, H4 के सीनियर्स को प्रदान करता हूँ, प्रदान करता हूँ। जिएंगे H4 के लिए, जिएंगे H4 के लिए और मरेंगे H10 की लड़कियों पे, और मरेंगे H10 की लड़कियों पे। अच्छा डोंट माइंड, मैं उस दिन थोड़ा सा नर्वस हो गया। थोड़ा? बट इट वाज क्यूट। थैंक यू। Thank you.
यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बजा के रखे हैं हमने वो दिन ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी जीने की उम्र थी दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे पढ़ ले हाय वो जो सीनियर्स है ना उन लोगों ने बोला कि आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी वरना बहुत धोएंगे मैं कॉफी नहीं पीती हाँ तो ठीक है ना चाय पी लेते हैं कोई बात नहीं दो चाय स्पेशल बिगड़े हुए इंसान थे शैतान की ने बोला कि तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी मैंने बोला मूड नहीं है तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा अनी की यही बात दूसरों से अलग थी उसने कभी मुझ पे गिव अप नहीं मारा भाई तो प्यार मांगने जा रहा है कि भीख ये पेन अब लग रहा ना हीरो तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे ना अगर मुझे पता ही होता कि तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है तो मैं कर नहीं लेता राघव की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है लेकिन डिटेरियरेट भी नहीं हो रही है लेट्स वेट एंड वॉच करना मना थे काम जो हमने किया हर काम वो हम सबका बाप डेरिक जिनकी नहीं थी परमिशन सारे किए इंतजाम वो ये कौन है अरे कुछ नहीं मैंने कहा देना कपड़े अरे अरे यार सुनो तो अरे हाय आज मेरे सीने से भेजा है के दिन थे हद करने के यारों आर या फिर पार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे अपने वो दिन हो जीवन पे चढ़ी जवानी की नई सिरंगत के अपने वो दिन याद है फिल्मों के पुराने आरडी बर्मन के वो गाने वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे नेक्स्ट सुंदर श्रीवास्तव ऑल इंडिया रैंक 92 रैंक छोड़ स्पोर्ट्स में कुछ है डोमेटिक्स नो हटा इसको अनिरुद्ध पाठक ऑल इंडिया रैंक पूछा तेरे को स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर क्रिकेट एंड फुटबॉल भी खेलता है किस हॉस्टल से लूजर्स बुला इसको मैं खुद मिलूंगा इसे
अंदर से और भी अच्छा है। तू सोच रहा होगा कि इंस्टीट्यूट तो सेम है, फिर सिर्फ एज थ्री इतना चकाचक क्यों है? अरे भाई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब अगर उनको एज फोर जैसे हॉस्टल में ठहराया तो क्या प्रश्न पड़ेगा? चाय पीगा? We are the face of this institute. Our institute apna face chaka chaki rakhega na. Chal, kal bag leke aaja. Tum na pagal ho. Kal tak to tumhe H3 jana tha. Aaj kya ho gaya? Pata nahi H4 chhodega man nahi kar raha yaar. Itna kya soch rahe ho? 2 महीने ही तो बिताए हैं तुमने H4 में। तुम्हारे साथ भी तो 2 महीने ही बिताए, फिर तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों डिस्कस करा? एक बॉन्डिंग से हो गई यार। पता है जब मम्मी के घर से लड्डू आता है ना, सिर्फ उसके लिए नहीं आते, हम सब के लिए आते। और जब एसिड एकदम फ्रस्ट्रेटेड जाता ना, तो हम सब खुशी खुशी उसकी गालियाँ खा लेते हैं। और सबसे चाहे कैसा भी हो, रात को 3 बजे उसको बुलाओ, दरवाजे पर खड़ा मिलता है। क्या बोलोगे उसको? फैमिली। एग्जैक्टली। और यार फैमिली कैसी भी, उसको छोड़ा तो नहीं जाता ना। लोग मरते हैं एचसी में आने के लिए, तू सामने से ना बोल रहा है? इतनी औकात कैसे होगी तेरी साले फ्रेशली? लुक आई एम रियली सॉरी। सॉरी? अबे सॉरी तो खुद को बोलेगा हर साल। डेरिक की तरह उसने भी यही एटीट्यूड दिखाया था, H3 आता तो विनर्स की तरह जीता, अब साला 3 साल से सड़ रहा है ना लूजर्स के टैग के साथ। ए तू भी सड़ेगा, चल निकल। सुना नहीं क्या? निकल। और क्या रहा है? एक्सक्यूज मी। यस सर। आई एम लुकिंग फॉर अनिरुद्ध पाठक। वहां मैच में। सारे लूजर्स एक साथ एक छत के नीचे। अबे टकले, लूजर किसको बोल रहे? ये मोटे अपने बाप को टकला बोल रहा है तू? डेरिक? वाओ सर। खाने के बाद दारू पीता है? जी मैं पहले और साथ में भी पी लेता। ये डेरिक था, हॉस्टल का सबसे बड़ा लूजर और हम सब का नाजायज बाप। 60 ml वोडका, 40 नारंगी और 20 सोडा। ये क्या है? सबको नसीब नहीं होता डेरिक स्पेशल। लेकिन यहां क्यों? इतनी रात को और कहां बर्फ मिलेगी? वो लिक्विड नाइट्रोजन है, आइसोथर है। सर ये बर्फ ही है ना? एडिसन को बल्ब के बारे में पूछ रहा है? नहीं। तो रैगी कह रहा था कि आपको भी स्त्री वालों ने ऑफर किया। कुत्ता है साला रैगी। दूसरे हॉस्टल्स के अच्छे प्लेयर्स को H3 ले जाता है और GC जीतने का क्रेडिट करता है। GC? जनरल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स। हमारे इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स भी आते हैं? तो तुझे क्या लगा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है?
और तुझे क्या लगा कि हमें लूजर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे कमरे छोटे हैं और हमारा मेस बेकार है? मतलब जिसे इतनी इम्पोर्टेंट 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 ना होती तो 10 हॉस्टल 2 महीने के लिए 30 स्पोर्ट्स में कम्पीट ना करते। इम्पोर्टेंट ना होती तो दूसरे हॉस्टल्स के लिए प्राइड और हमारे लिए हर साल इज्जत का सवाल ना होता। हम इतना खराब खेलते खत्म कर। मतलब हम लोग 15 साल में एक बार भी जीसी नहीं जीते? जीतना तो दूर की बात है, हम लोग हर साल लास्ट आते हैं। अब समझा? अगर जीसी जीत गया तो ये लूजर का टायर हट जाएगा। सोचना भी मत। क्यों? 3 साल ट्राई करके देख लिया है। आपका लास्ट ईयर है, एक लास्ट ट्राई कर लो। छोड़ ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी कुछ नहीं। नया आया ना, इसलिए तुझे चुभ रहा है। 1-2 साल रुक के देख, चुभना बंद हो जाएगा। ये लूजर्स, सिर्फ ताड़ते रहोगे या कभी आओगे भी बोर्ड पे? अबे लूजर होगा तेरा बाप साले। तो मैं तो यहाँ पे आके बोल। मानो ना मानो, चुभता तो आज भी है। आने की बात को मैंने 2 दिन तक सीरियसली सोचा, फिर लगा कि अगर इस साल कुछ नहीं किया तो ये बात सारी जिंदगी छुपेगी। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हो जो हिचफोर छोड़ के जाना चाहते थे पर तुम्हें जाने का मौका नहीं मिला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इस लूजर के टैग के साथ जिएं, या इसे हटाने की कोशिश करें। अगर इस वक्त तुम में से कोई ऐसा है जो इस टैग के साथ खुश है तो वो यहां से बाहर जा सकता है। ट्रस्ट मी, कोई सवाल नहीं करेगा। एक बात मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, कैंपस में ये लूजर का टैग सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज चुभती है और वो है उस टैग को हटाने की कोशिश ही ना करना। सवाल ये उठता है कि क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? Yes! क्या हम ये टैग हटा सकते हैं? Yes! क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? Yes! इस सालो अगर जीसी नहीं जीतेंगे तो लूजर का टैग कैसे हटेगा? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? Yes! जो yes बोलेगा उसको डेरिक के अकाउंट से मिल्कशेक मिलेगा। क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? और फिर मिड सेम्स खत्म होते ही हमारे जीसी के सिलेक्शन शुरू हो गए। उम्मीद थी कि इस साल ढंग के फ्रेशीज आए। तूने तो कहा था तू टीटी खेलता है। खेलता था वो घर के डाइनिंग टेबल पर छोटी बहन के साथ। बहन से जीतता था या हारता था? स्टाइल तो खतरनाक है लड़के। साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है? कबड्डी 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 ओए बाहर निकल बे। सर मैं लास्ट ब्रेथ तक कोशिश करना चाहता हूँ। हाँ तो तू ऑलरेडी सेकंड लास्ट ब्रेथ पे ही है। चल निकल निकल। ए कौन लेके आया भाई पप्पा को? हाँ कैसा चल रहा भाई? ये तो मरमिट निकला। 30 सेकंड से अंडर वाटर तैर रहे। भाई ये मर गया ना तो जेल हो जानी है। सर इससे अच्छा तो मर ही जाता। सिलेक्शंस खत्म होते तक हमें रियलाइज हो गया था कि जीसी में हमारी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। क्या डेरेक? लूजर्स आर ट्राइंग टू बी चूजर्स। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हुआ नहीं। राघव रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्कैन्स उसके ब्रेन में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। आई एम अ बिट वॉरिड। आप क्या करेंगे सर? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। अब
क्या करेंगे यार? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। That's like the Clinton. यार मुंबई कितनी महंगी हो गई है। जेब खाली हो गई। तू शॉपिंग करके आया? मैं थोड़ा तैयारी करके आया था कि इतने दिन रुकना पड़ेगा। अंडीज लाया। तुम लोगों का पता नहीं लेकिन मैं रोज चेंज करता हूँ। सुधर गया सेक्सा, पहले तो हर घंटे चेंज करता था। बंटी भी बूढ़ा हो गया ना भाई, उसे भी आराम की जरूरत है। अबे चड्डी लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इससे मांग लेता, इसकी चड्डी सुनने की आदत है ना तुझको। क्या चल रहा? क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे कि राघव के ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ रही है यार, दवाई से बात नहीं बनी तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तुम लोग टेंशन मत लो यार, मैं और माया तो है ही यहाँ पे। तुम लोग कब तक यहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठे रहोगे? यू गाइस कैरी ऑन। ये काम भी कितनी चालू चीज है ना, जब काम को टाइम चाहिए होता है तो फैमिली एडजस्ट करती है ना। हाँ, अब फैमिली को टाइम चाहिए तो काम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हे, मैं रुक रहा हूँ। ओके, मैं भी। नो वन्स लीविंग। अनी, सब रुकेंगे। ग्रेट गाइस, अगर भूख लगी हो तो खाना लग गया। थैंक यू भाई। अरे प्लीज, कहानी तो नहीं शुरू किया, पर खत्म हम सब मिलके करेंगे। मेरे बिना खत्म नहीं कर पाओगे सालों। अबे बेवड़ा तू, साले बेवड़े। कैसा? बढ़िया बढ़िया। अच्छा हो गया तू आ गया, ये तो तुझे तो कहानी से निकाल दिया था हमने। ये बेवड़ा था हमारा सुपर सीनियर और लूजर नंबर 5। बताने की जरूरत नहीं लग रही कि मुझे बेवड़ा क्यों बुलाते। भाई साहब के कमरे में किताब से ज्यादा शराब खुलती है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। बेवड़ा ने हम सबको पीने में ट्रेन किया था। ट्रेन से याद आया? नहीं यार, ट्रेन वाली स्टोरी नहीं यार। अरे अपन जीसी में आते हैं ना। सुन, जीसी पे भी आएंगे बेटा, लेकिन इस स्टेशन पे रुक के। तो हुआ ये कि जनाब गर्मी की छुट्टियों में घर से वापस आ रहे हैं। अब इतना लंबा सफर है तो इसका सूखे सूखे कटता नहीं है, तो ये पानी की बोतल में वोडका मिला के मस्त बैठ के पी रहा। दादा थोड़ा पानी मिले, खत्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी है। पर बेवड़ा बच्चे को वोट कर देता भी तो कैसे? लेकिन ये तो झूठा हो गया है। चलेगा दे दो। नहीं मिलेगा। हाँ, कट मानुस है। उसके बाद दोनों मियां बीवी ने मिलकर बेवड़े का नशा और चट्टी दोनों उतार दिए। से पानी मांग रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? बच्चे के लिए मांग रहा, मेरे लिए मांग रहा क्या? अरे अकल नहीं तुला, बेशरम कुत्रिया। दे दीजिए ना भाई साहब। ए, अरे पानी दिले तो पुण्य मिळेल, नाही तर नरकात पण नशीब नाही होणार। आओ हलकट माणूस आहे, जाऊ द्या। हलकट कसला? आम तू बेंडकाळा काय बघतो माझ्याकडे? नाही नाही आहेस, पण बोलून कशाला तोंड खराब करताय तू? तुला पाणी देतात ना, तुला पाण्याला काय सोनाला लागलंय? नाही अशांचा का मुर्दा बसला पाहिजे भीतर? मुर्दा कसला? पाणी पिऊन पिऊन दावड्या मुतायला चाललंय, तुला अक्कल नाही रे? नाही वाड्या, तू उतर मुंबईला, चपली मारीन बघतो। चपली मारली मरून पडेल तिकडे। यार ऐसी गंदी गालियां एसिड भी ले लेता था। खैर मेरे लेके हो गया हो तो जीसी पे कंसंट्रेट करे। हाँ जीसी, उस साल भी हमारे हाथ फ्यूज बल्ब लगे थे। बस कुछ ही बंदे थे जिन्होंने उम्मीद जगा रखी थी। बेवड़ा इंस्टीट्यूट का करंट चेस चैंपियन था, अन्नी फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट में अच्छा था। शॉट और डायरेक्ट वेटलिफ्टिंग फुटबॉल और एथलेटिक्स में गॉड था। रजिया फंसी है गुंडों में, कैसे निकालेगा? और जिसे हम रूप की रानी समझ रहे थे। चल चल रानी मटके में गई, तू मुझे दल्ला लेके दिखा। वो चोरों का राजा निकला। तो सबकी ले लेगा मेरी जान? इन सब के बावजूद जीसी हमारी औकात के बाहर थी। I wish you all the best guys. जीसी शुरू हो गई और हमेशा की तरह एक स्त्री वालों ने सबकी लेना शुरू कर दिया था।
और हमने सबको देना शुरू कर दिया था। ए डेरिक, अपने 3 साल तो तूने गवा दिए, इन सब का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जीसी में वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जीसी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अरे बोलता भी है? मुझे लगा सिर्फ डेरिक के पीछे 2 महीना भी घूमता है। सालों इतनी बुरी तरह से हराऊंगा ना कि अगले साल वही तुम दोनों टांगों के बीच में दबा के घूमोगे। अबे अंग्रेजी कुत्ते, तू अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? ये साले लूजर, तू मेरे को औकात दिखाएगा? रिलैक्स यार, कुत्ता है साला। भौंकने दे इसे। हाँ भौंकता हूँ, लेकिन जिस दिन काटूंगा ना पेट में 14 तो पक्के हैं। जा बे, जा निकल जा। क्या जा, छाड़ उसको, जा। अन्नी, it's just sports यार। No, it is not. ये सिर्फ हमारे स्पोर्ट नहीं है यार, हमारे हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। अरे हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, स्पोर्ट्स को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? 4 साल ही तो निकाल ले। तुम्हारे सर पे लूजर का टैग नहीं लगा हुआ ना, इसलिए तुम बोल रही हो। और वैसे भी तुम्हारे सर पे लूजर का टैग तो लग भी नहीं सकता ना, क्योंकि तुम लोग तो पार्टिसिपेट करने से घबराते हो। क्या मिला पार्टिसिपेट करके? लूजर्स का टैग ही ना। हाँ तो लूजर का टैग चलेगा मुझे, डरपोक के टैग से तो अच्छा है ना कि हार जाएंगे इसलिए पार्टिसिपेट ही नहीं करते। Now you're getting personal. No, you are getting personal, Maya. तो फिर जा ना, क्यों आते हो यहाँ बात करने? हाँ तो जा रहा हूँ ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, इसे तो अपने जीसी के बारे में सोचूं। टाइम वेस्ट हो गया मेरा। भाड़ में जाओ अन्नी, और हम डरपोक नहीं है। डरपोक अभी मम्मी से बात कर रहे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता और चीयर करने के लिए हम सबके लिए लड्डू भेज रही हैं। हाउ स्वीट, बेसन के मेरे फेवरेट हैं। साले ये जिताएंगे हमको जीसी, यहां अपनी लगी पड़ी है और इसको बेसन के लड्डू खाने। छोड़ना यार ये, तू चुप कर, क्योंकि तेरे को तो बंटी से फुर्सत नहीं है। और साले तेरे बोलने पे मैं जीसी में दोबारा कूदा और तेरा सारा ध्यान अपनी सेटिंग पे। अबे तू हार की बड़ा संपे क्यों निकाल रहा है? तू चुप कर एसिड, लौंडे कोशिश कर रहे हैं ना एसिड, तू चुप रह। तू सुन, तू क्या इतना भड़क रहा है? तूने कौन से झंडे गाड़ दिए यहां पे? मेरी वैसे भड़क रही है, तू चुप कर रहा है? एक से बकवास कर रहा है यार, भाषण दिए जा रहा है बस। एक सेकंड, ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें हार से सिर्फ बुरा लग रहा है, हमारी फट नहीं रही। जिस दिन फटेगी ना उस दिन जीत का रास्ता देखना अपने आप निकल के आएगा। क्या बोल रहा है यार तू अनि, हमारे हॉस्टल की इज्जत दांव पे लगी तो फिर हम सबको भी कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, और कुछ ऐसा जिसको जिसको खोने की सोच से ना फट। क्या बोलते हो? साले को जीतना ही नहीं है। ठीक है, जब तक हम जीसी नहीं जीतते तब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। जब तक हम जीसी जीत नहीं जाते सुट्टा बंद। ऐसे मां की आंख, गाली बंद। बेबा पीना बंद। सेक्सा टीवी बंद। ओके, बंटी की घंटी बजाना बंद। हाँ माया से बातचीत पर। जीसी जीतने के लिए हम सब ने प्लेज तो ले ली थी, पर फिर प्लेज ने हम सब की लेना शुरू कर दी। आई स्वेयर। प्रैक्टिस से होगा, होगा। प्रतिद्वंदी से हार सबसे बड़ा धिक्कार, नाक कटा कर घर मत आना कहता है परिवार।
मम्मी मदर वो रख ले वरना हमारी प्लेस टूट जाएगी। हम हैं पर खुरदार बेबस और लाचार जीवन के संघर्ष में होगा कैसे बेड़ा पार। छोड़ो ना। अंतर मन की खिड़की खोल जिगर चुटा कर हल्ला बोल ऐसे डिफेंड करते तेरी माँ का कंट्रोल तब तक इग्नोर करेंगे सर ऊंचा करने लायक जब तक ना स्कोर करेंगे राइट। अपने कैरेक्टर के अंदर का विश्वामित्र जगा के यारों कस के लंगोट तपस्या हम घनघोर करेंगे। अगर लंगोट में होगा कंट्रोल ये कड़ी बनाई है तेरे फैन के कंट्रोल क्या नो फोन करते हो नो फोन उठाते ज्यादा ही फर्क ला दिया लेकिन थैंक यू कैसे खेल रहा क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने प्लेस लेके तू साले भूखा गया था क्या मैच में मतलब चार चार गोल खाए तूने कैसे भाई और ये हम सारे बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं लेकिन एक बंदा था जो फील्ड के अंदर बैठ के मैच देख रहा था ये कंफर्म और तू अबे ये कॉरिडोर है सामने जा तीन तीन बाथरूम में पैंट उतारो और हग ना टी टेबल पे क्यों हग रहा था तू ओए तू क्या फंडे दे रहा बे तू तो खेल भी नहीं रहा है लेकिन झेल तो रहा हूं ना भाई हनी डायरेक्ट नहीं ले पाएगा मेरा बंटी इतना लोड हेलो बेवड़ा क्या फायदा हुआ यार रजले कोई मैच तो ऐसे भी नहीं जीत रहे जिसमें तो ऐसे ही लगी हुई थी अब मेरा बात के अपने दोस्त की भी लगा दी इज इट रियली वर्थ इट आई एम सॉरी यार तुझे हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम सारी पड़ रही तू छोड़ ना भाई ये सब प्लेज तोड़ दे हमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा कसम से वो दिन जब सब प्लेज ले रहे थे तो मैंने भी ले ली थी सोचा था कि रूम में चुपचाप जाके पी लूंगा किसी को क्या पता चलेगा लेकिन हो नहीं पाया पहले भी कई बार छोड़ने की कोशिश की तो तू जानता ही यार माँ के लिए बाप के लिए One-sided girlfriend के लिए नहीं उसके कारण तो पीना शुरू किया था पर छोड़ नहीं पाया यार पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि छोड़ पाऊंगा वो भी तुम लूजर्स के लिए पता है क्यों क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि दूसरों से हार के लूजर कहलाने से कहीं ज्यादा बुरा है खुद से हार के लूजर कहलाना इस बार आज आप
राघव की रिपोर्ट्स ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है मिस्टर पाठक। जीसी में हमारी सिचुएशन ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थी, पर हम आसानी से हार मान लेने वालों में से भी नहीं थे। टीम मीटिंग अभी। तो जीसी में अभी तक S3 की मुर्गी 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीत के 17 पॉइंट पे डांस कर रहे हैं, और हमारा मुर्गा एज ऑलवेज हमेशा की तरह 0 पे अंडे दे रहा है। तो सवाल यह है कि हमारा मुर्गा उनकी मुर्गी की लेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास तो उतना टैलेंट है नहीं। मतलब हमारी तरह हमारा मुर्गा भी वर्जन ही रहेगा? नहीं, अगर हम लोग तिकड़म लगाएं तो अभी भी उनकी ले सकते हैं। क्लियरली बोलना। तिकड़म नंबर 1, प्रेशर कुकर। सामने वाली टीम पे इतना प्रेशर डालो कि सीटी बज जैसा लगे। कैसे बता दो। नहीं जाएगा बेटा, तू कंसंट्रेट कर। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी पुटी पुटी प्रेशर है। अरे मार रहा, मेरे को क्या देख रहा, मार रहा पागल। मैं डर गया था, हाथ कांप रहे, नर्वस हो गया, नहीं जाएगा। नहीं गया। तो बात सिंपल है, अगर एक बंदा इतना प्रेशर डाल सकता है तो 25-50 ऐसे कमीने क्या करेंगे। साले जीसी में खेलने के लिए ढंग के 10 लौंडे तो मिल नहीं रहे, तू इतने बंदे कहां से लाएगा? भाई जब कॉलेज की कड़की में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के अकाउंट से मुफ्त का मिल्कशेक मिलेगा तो बंदे चेयरिंग छोड़ चाम तक ले लेंगे। बोल रहा हूं, कम ऑन, एक बार की चेयरिंग में एक मिल्कशेक मुफ्त, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बटरस्कॉच जो चाहिए ले लेना। आर्मी तो बन रही है, गोला बारूद भी तैयार है। ऐसे स्लोगन हो गया। अरे क्या, चल चले जा, बाकी हॉस्टल्स की फट जाएगी सुन के। Boys, अरे East or West? S1 is the best. East or West? S1 is the best. North or South? Go shut your mouth. एक और है, इससे भी ज़्यादा तगड़ा है। 1, 2, 3, 4. H4. 1, 2, 3, 4. H4. मेरे पास भी एक है। तेरा स्लोगन सुनके हम सब हुए बेबस, even वाहेगुरु कांट सेव अस। अभी लिखा। तेरे से बेटर लिखा। अबे साले पूरा एक दिन दिया था तेरे को और तू पॉटी पे धनिया डाल के लाए। तेरी भाई, हमने तेरे को स्लोगन लिखने को बोला था, भजन नहीं, क्या कर रहा है यार? मुझे ना गालियों के बिना फील नहीं आ रही है भाई, तेरे रगों में एसिड है, हमें चाहिए पेपर पे निकाल। अच्छा सुन, जितने प्रोफेसर ने तेरे लिए ना पूछ सुन कर उनके बारे में सोच, कोशिश कर, कितनी बार फेल हो गया, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी, प्रोफेसर रामानाथन कनका। यस, असेट फेलियर है तू, हमेशा लास्ट आएगा। फर्रा लगाएगा तू? यस भाई, ये असेट तो टाइटेनियम में भी छेद कर देगा। ऐसे 4-5 और लिखना प्लीज। थैंक यू मम्मी, सब करना। पकड़ खींच के पकड़, पकड़ साले को, चार साले पे, ठोक साले को, 86 साल। मैंने पूछा चांद से, इसके जैसा बिजंती। चांद ने कहा, इसकी अम्मा की कसम, नहीं, नहीं, नहीं। Congrats, Annie.
ऐसा क्या हो गया यार? उस दिन मैं चाहता ना तो अन्नी का पत्ता काट सकता था। Don't worry, माँ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। आज माया भी मेरी होती और तू भी मेरा होता। हाँ, जो। पर क्या करूं, मेरा दिल सोने का है, दिल्ली से हूं ना भाई। और हमारी इसी प्लेज की वजह से अन्नी ने वो चीज दांव पे लगा दी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम। मैं ये दूरियां फिलहाल है, हमारा फायदा सिर्फ हमारी जीत में नहीं है, तीसरी की हार में भी है। इसलिए तिक्रम नंबर दो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। घोड़ी कौन चढ़ रहा है? तीसरी का टीटी चैंप वेंकटेश। और घोड़ी की पूछ में पटाखे कौन लगाएगा? माया, तू यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? I miss you. क्या? ऐसा अन्नी का मैसेज है। I miss you too. I know. ऐसा अन्नी के लिए मैसेज है। अगर इतना ही मिस कर रही हो तो एक फेवर कर दो ना प्लीज। फोन करो ना एक रात को 3 बजे। अन्नी थोड़ी ना बात करेगा। अन्नी नहीं, इट्स 3 का वेंकटेश, रूम नंबर 175। क्या है? कल उसका टीटी का मैच है। पुअर चाइल्ड। अगर बंदा गोल्डन आवर में नहीं सोएगा तो गोल्ड कैसे जीतेगा? कमीने हो तुम लोग। माँ भी यही बोलती है। हेलो। हेलो। कौन? आपकी फैन। क्या टीटी खेलते हो? ओफ, मुझे सिखाओगे? हैंडसम। यस। वेंकी, आज पूरी रात बातें करेंगे। पूरी। Now imagine, just you. Night long. इनको देख। Come on, Mickey. Come on. कर रहा है यार। Come on guys, ये हारने वाला मैच नहीं था। हम एज एड से कब से हारने लगे? हाँ? I know तुम थैंक यू बोलना चाहते हो। कोई बात नहीं, बस एक पेस्ट्री खिला दो। बैठो। एक वो टाइम था जब अनी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, फिर भी एक दूसरे को समझ लेते थे। अब जितने भी बात कर ले, ना वो मुझे समझना चाहती है ना मैं उसको। गलती किसकी थी? शायद मेरी। शायद मेरी। जब जब उसको सॉरी बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला। जब मुझे अनी को इट्स ओके बोल के गले लगा लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। एक राघव ही था हमारे बीच, अब उस बेचारे की हालत वैसी हो गई है।
ऐसे हमारे रिश्ते क्यों हो गए हैं? कोई भी चीज इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे सुधारा ना जा सके। ये हम सबने तुझसे ही तो सीखा है। तो दोस्तों, तिकड़म नंबर 3, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। पेस है, लेकिन लाइन नहीं है। एक सेकंड। ए क्रिस क्रॉस, ऐसे फेंक जैसे स्टंप पे धरो। उधर वाइट चली जाएगी। अबे चल ना, फेंक इधर। मिलेगा मिलेगा, क्रिस क्रॉस। चलो देखता कहीं और है, देखता कहीं और है, है? तू देख के खेल भाई। अच्छा पांडो, आज खाना नहीं बनाना, आज उल्लू बनाना है। कबड्डी का मैच है अपना, चल। ऐसे ऐसे वो तेरी पे भैंस की आंख, कोच लेके आए भाई ये लोग। ये करना क्या है? आलू की सब्जी बनाना सिखा। चार आलू, चार आलू, दो प्याज, एक टमाटर, सारी भाई काटना है, भाई काटना है। लगता है भाई कोई भयंकर स्ट्रेटजी पकड़ी उधर। कृपया हड्डी उड्डी संभाल के यार, कहीं टूट टट ना जाए। हाँ। H8 ने मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। कबड्डी 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 टीम बना दे। अरे छबरा, पकड़ इसको, पकड़ इसको। ए यानी टांग पकड़, टांग पकड़ इसकी। टीम बना दे। कबड्डी पकड़, पकड़ कबड्डी। H3 के साथ फुटबॉल मैच है, क्या होगा अपना? उनके मैराडोना और पेले को कौन रोकेगा? रुक जाओ चंद्रलेखा, ये जालिम दुनिया हमें अलग नहीं कर सकती। सिपाहियों, अलग करो इन दोनों को, वापस आओ चंद्रलेखा। मैराडोना और पेले को रोकना है, ये रोकेगा। रुक जाओ चंद्रलेखा, चंद्र। ये देखो, लगी आपने कबूतर, लगी बार, लगी आंधे बार, लगी। पहले गिल नहीं है यार, छीटेंगे, सारा लूजर छीटेंगे कर रहा है। कम ऑन यार, देखो कोई अपनी हार भुलाने आया है। तो बेटा, मैं हारने की आदत नहीं है तुम्हारी तरह। अबे कुत्ते ने तो बोला था कि काटेगा ना, ये तो भौंक रहे थे। ए आसिड, अपनी औकात में रह, वरना इतना मारूंगा ना। अबे अभी अभी तो अपनी मरवा के, तू क्या मारेगा भाई? साले ए रे की सुन ना, साले हट। बैठ। एस्त्री भूत तो निकला, एस्त्री भूत तो निकला, इनको मिल गया है बंबू, इनका गिर गया है तंबू। एस्त्री भूत तो निकला, एस्त्री भूत तो निकला, इनकी खड़ी हो गई खाट, इनकी लगने वाली मां। Guys,
का मुंह। वहां पे एस्त्री के 6 लड़के थे, तूने 5 मारा, वो भी खुद को। कैसे भाई? बे सालों, मजा आ रहा है तुम लोगों को? नहीं भाई, कैरम का क्वार्टर फाइनल का मैच है इसका शाम को, कैसे खेलेगा सोचा किसी ने? डेरेक, दर्द हमें दर्द सिर्फ तब दे सकता है जब हम दर्द को दर्द देने की इजाजत दें, और आज के मैच में मैं ये हक दर्द से छीनता हूं। वो आएगा, मेरा दरवाजा खटखटाएगा, लौट जाए। ये एक मर्द की जबान है, मर्द की। मुझे लगता है इसको सर पे भी चोट लगी है। मम्मी को ब्रेवरी के लिए फुल पॉइंट्स मिले थे, पर H4 को कैरम में 0 पॉइंट्स मिले थे। सॉरी यार, मम्मी का गोल कैलकुलेट किया था। सलाब जीसी में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं से गोल लाना पड़ेगा, नहीं तो जीसी तो गई। इतने स्पोर्ट्स बाकी हैं, कहीं से एक्स्ट्रा गोल निकालना। कहां से लाऊं? सब तो कैलकुलेट करके बैठे। ये जैवलिन कोई चांस नहीं, हैमर थ्रो कोई चांस नहीं, बचा ये 42 किलो वेट लिफ्टिंग जो कि सिर्फ नाम का है, 10 साल से कोई पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा। क्यों 42 किलो का लौंडा कहां से लाएंगे? अरे सरकारी हरकत काय कर रहे हैं, पूरा भरिए। अरे आपकी बॉडी इतना दूध नहीं बचा पाएगी। अरे हमारी बॉडी हमसे ज्यादा आप थोड़ी जानते हैं, पूरा भरिए। उस घड़ी के बिना 44 किलो। हाँ पता है हमको, बहुत कम है। नहीं रे, 2 किलो ज्यादा है। चल लेजनरी होती ना, मैंने 4 झटके में 2 किलो घटा लेता। कैसे नहीं लगता हवा इसको लेके जा रही है। अबे ये साला 2 किलो घटाएगा कहाँ से? भाई वेट लिफ्टिंग में गोल्ड पक्का समझ। पर मुझे वेट लिफ्टिंग तो आती ही नहीं है यार। अबे जाके 100 ग्राम भी उठा लियो, गोल्ड मेडल जीत जाए। तेरी कैटेगरी में कौन आने वाला है? रुकने को किसने कहा? और तेज। 1 किलो ओवर वेट है भाई। भाई समझना भाई, देख कल रात तक तू सिर्फ 100 ग्राम ओवर वेट था, 150 ग्राम हक दे, बात खत्म, चांस नहीं ले सकते ना। अंदर कुछ डालने नहीं है दिया तुम लोगों ने, निकालूंगा क्या? अरे देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। ओके और 42 किलो कैटेगरी में H4 के अभिमन्यु राठौड़ और H10 की दुलारी पित्रोदा। क्यों हमारे पेट पे लात मार रही? मुझे क्या पता था तुम लोग 42 किलो का हीरा ले आओगे। देखना अगर विड्रॉ कर सकती है तो। टू लेट यार। कह रही है इट्स टू लेट। भाई अब ये डंडा तेरी जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ पे हॉस्टल की इज्जत नहीं अपनी इज्जत के बारे में सोचना है। हाँ बेटा, क्योंकि अगर तू वहाँ पे उस लड़की से हार गया ना तो ये जल्लाद पूरी जिंदगी तुझे डंडा करेंगे। अंडे मारना बता रहा हूँ, नहीं जाता ना बेटा, जा बचा ले अपने आप को। जय सरा वाली मैया की। हाँ बेटा, थोड़ा एनर्जी बचा के। अकल पकड़। अबे सेक्स और लड़की है। Come on, let's
डिनर के गोल से हॉस्टल की शान वापस आ गई थी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हॉस्टल की जान वापस आ गई थी। जैसे जैसे जीसी आगे बढ़ रही थी, सारे हॉस्टल्स की धड़कनें बढ़ रही थी। हर साल की तरह H3 सबसे आगे था, पर पहली बार H4 सबसे पीछे नहीं था। और अब H4 H3 के साथ आंखें चुराकर नहीं, आंखें मिलाकर बातें कर रहा था। बहुत सारे स्पोर्ट्स में तो हम तिकड़म लगाकर जीत रहे थे। नीम मक्खन की तरह ये बार मक्खन। हेलो, सो रहे थे क्या? लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी थे जिनको हम टैलेंट के दम पे जीत रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पहली बार हमारे जीसी जीतने के चांसेस नजर आ रहे थे। क्या कहते हैं? चांस है? चांस तो है। थैंक्स मैन, तू नहीं होता तो। अरे यार, थैंक्स टू यू। गाने तूने शुरू करी, खत्म हम सब साथ में मिलके करेंगे। और जीसी खत्म होने में अब बस एक दिन बाकी था। भाई हमारा मुर्गा तो बड़ी नजदीकी बढ़ा रहा है मुर्गी से। चीयर्स। बेबड़े पानी है ना? अरे हाँ भाई। कल माँ की बोली सुनने को मिलेगी, कल माँ की गाली बकने को मिलेगी। कल पहले प्ले बॉय होगा, फिर बॉय के साथ प्ले होगा। एक सेकंड, अभी जीसी खत्म नहीं हुई, कल लास्ट 3 फाइनल है और तीनों फाइनल्स में हमारी टक्कर H3 के साथ है और H3 हमसे अभी भी 5 पॉइंट आ गए। अगर हम तीनों गोल्ड जीत गए तो हमारा टोटल स्कोर होता है 75 और H3 का स्कोर होता है 74। मतलब समझ रहे हो? लेकिन एक भी मैच हार गए तो हम जीसी आ जाएंगे। चेस बेवड़ा संभाल लेगा, रिले डायरेक्ट है, एसिड है, लेकिन ये बास्केटबॉल, इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा है? अबे तू है ना टीम में मेरी जान। नहीं यार, H3 को बास्केटबॉल में हराना आसान काम नहीं होगा। एनीवेज, वी मस्ट टेक रेस्ट नाउ, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर पाठक, आपको डॉक्टर ने बुलाया। राघव के ब्रेन में स्वेलिंग और बढ़ गई है, अभी तो स्टेबल है तो हम कल सुबह तक और वेट करेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो हमें कल सुबह सर्जरी करनी पड़ेगी। बट वी हैव नो अदर ऑप्शन रियली। ये कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए प्लीज। इनका कंसेंट फॉर्म? अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो गया तो। बेटा अभी हमें जाना पड़ेगा, बाकी कल। लेकिन पापा बस एंटी तो बचा है। नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा यू नीड टू रेस्ट। देख छोड़े, ना हम कहीं भागे जा रहे हैं और ना तू। हाँ, और वैसे भी वो रात हम सब ने बड़े सस्पेंस में निकाली थी, तू भी थोड़े सस्पेंस में निकाल। डोंट वरी गाइस, कल सब ठीक होगा। पता नहीं यार, पर बात यहां तक पहुंचने ही नहीं चाहिए थी, तो मेरी वजह से हुआ। हे, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ।
He's right. तू तो बहुत कूल लड़ है यार। कूल हूँ ना मैं भाई। वो बॉटल देख रहे। मैंने राघव को कहा था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बाप बेटे मिल के पिएंगे। और उसको ये तो बोला ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है। लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है? कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा इतने मार्क्स ले आओ ये वाला कॉलेज मिलेगा, बेटा वो कॉलेज चले जाओ ये वाला जॉब मिलेगा। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उसकी तैयारी तो कभी की नहीं। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं भाई। तेरे से आज अगर पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, राघव की इंजीनियरिंग में सीट या कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, मैं तो अपना बच्चा ही मांगूंगा ना यार। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Sorry. Excuse me. Hey, Vedant hai. Wanna talk to him? Hey, buddy. आपको मेरा प्रॉमिस याद है? हाँ वही कि मैथ्स में प्लस लाओगे तो आपको बाइक दिलाऊंगा। But you know what? Just wanna tell you कि आप कोई भी grades लाओ, B plus, C minus, doesn't matter. मैं आपको फिर भी बाइक दिलाऊंगा। No, daddy is not kidding. बेटा, I love you. मैं गलत थी। तुम एक बहुत अच्छे फादर हो। Sorry. I'm also sorry. कोशिश करता तो शायद एक अच्छा हस्बैंड भी बच जाता। I think you should sleep. तुम भी जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। Yes, doctor. Raghav had severe convulsions, जिसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग बढ़ गई है। As an emergency procedure, we have to take him for surgery now. Sir, कितना time है surgery को? Around 15 minutes to prepare the operation theatre. क्यों? Sir, मुझे पता है कि आपको लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। कि राघव के साथ सिर्फ 10 मिनट हमें मिल सकता है सर। Please sir, actually उसके लिए end जाना बहुत जरूरी है सर। Please sir. Mr. Pathak. Sir, सिर्फ 10 मिनट सर। 10 मिनट सर, please. I don't believe you. I believe him, sir. It's important. Please. So,
रेडी फॉर द क्लाइमैक्स कम्मो। काफी लंबा खेल खेल गए हैं लूजर्स, इन्हें 3 गोल्ड चाहिए ना, मैं इन्हें 1 भी नहीं जीतने दूंगा। अंदर आने के लिए नहीं बोलेगा? साले, तू जीसी के चक्कर में अपनी दोस्ती भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। रिलैक्स, बेस्ट ऑफ लक बोलने आया तुझे। यू गाइस आर प्लेइंग रियली वेल यार, ये कल जीत गए तो खुशी में पी लेना, और हार गए तो गम में। लेकिन यार कल की पहले मत पीना। Let's have a fair fight. तूने सुबह चेक किया था? चेक खुद तो नहीं किया था, लेकिन उठ ही गया। कहाँ हैं आपके प्लेयर? सर बस 5 मिनट में आ रहे हैं। कौन है क्या? तालियां। सर ये किस? कहाँ है बेबी? तो भी क्या? हटना यार। अन्नी, तू निकल तेरा मैच है। ये साले अब तो टेंशन भी ले रहा है यार। ये रेस अपना है, मीडियम पेस पर रखना अपने 150 मीटर, ठीक है ना? तो ओ शिट, बोला देख के देख के यार। सॉरी तो बोल। सॉरी। इजी 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 इजी, इट्स एन एक्सीडेंट। सॉरी बोला ना, दिखता नहीं तुम लोग को। हे यू ओके मैन? यार ऐसे जीत के क्या फायदा। टेक केयर डेविड। तुझे क्या लगा सिर्फ H4 चेयर कर सकता है? भाग पाएगा तू? भागना पड़ेगा। यमा सर,
थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अच्छा अच्छा, जितना हो सके गैप कम करके दे। बेटा जीसी तो गई तुम्हारी। तूने दो मिस्टेक की। एक तुझे लगा कि मैं पी गया। तूने कास्परो के गेम से स्टडी नहीं की, वरना वजीर की सेक्रीफाइस तो मैं शराब पी के भी नहीं करता। चेक।
only privilege. सिर्फ 6 सेकंड बाकी है। वो लोग अभी भी 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। तो मुझे पास देना, मैं 3 पॉइंटर ट्राई करूंगा। नाइस। कोशिश के बाद भी आप लोग हार गए। आप लोगों का तो मर जाने का मन क्या होगा ना? के बाद हम लूजर रहे ही नहीं। गाइस, व्हाट्स अप गाइस? हे जेम्स, वेल प्लेड। नो रियली, well played. 4H4, boys. Thank you.
तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। और कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ ओके गाइस, टाइम टू टेक राघव नाउ। अच्छा सुन सुन, मेरी बात सुन। अच्छा और एकदम एक लूजर की तरह नहीं, एक एक फाइटर की तरह। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है मैंने। हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। अगले साल मैं कॉलेज जा रहा था। मत पूछिए डिपार्टमेंट क्या था, ऑल इंडिया रैंक क्या थी। मैं खुश था कि मैं कॉलेज जा रहा था, नए दोस्त बनाने, अपनी जिंदगी जीने। आ गया साले फ्रेशी, लाइफ से पढ़ाई की है कुछ और भी किया है? लाता है उधर क्या देख रहा है?